बाहर से एक लड़का भागता हुआ आया, तुमने देखा है उसे? नहीं सर जी, मैंने तो किसी लड़के को नहीं देखा। वो लड़का इसी तरफ आया है, और तूने ये चेहरे पे क्या लगाया हुआ है, क्यों छुपा रहा है? नहीं सर जी, मैं चेहरा तो नहीं छुपा रहा, ये तो मैंने ब्लैक मास्क लगाया हुआ है। ब्लैक मास्क, वो किस लिए? वो सर, दुकान पे कोई कस्टमर तो था नहीं, इसलिए मैंने अपने फेस पे लगा लिया। ठीक है, अगर दुकान में कोई लड़का आया ना तो मुझे बताना। ओ हेलो, किसे पूछ के मेरी दुकान में एंटर हुए, और ये ब्लैक मास्क क्यों लगाया? अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपके मास्क के जो पैसे बनते हैं वो ले लो। पैसे नहीं ले लो, तुम तो मुझे शक्ल से ही चोर लग रहे हो, और मेरी दुकान में इतना कीमती सामान है, मुझे पुलिस को ही बताना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, मैंने आपके किसी कीमती सामान को नहीं छेड़ा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुमने कीमती सामान को नहीं छेड़ा? मैं जब आया तुम्हारे मुंह पे मास्क लगा हुआ था। मैं अभी पुलिस को ही फोन करता हूं। रुको भाई, पुलिस को कॉल मत करो, मैं इस मास्क के आपको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं इस मास्क के तुमसे 20,000 रुपये लूंगा। ये क्या, ये तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। अच्छा, ऐसे करता हूँ, चोरी वाला मोबाइल इसको दे के इसको फंसा देता हूँ। अब क्या सोचने लग गए हो, 20,000 दे रहे हो या मैं पुलिस को फोन करूँ? भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन ये 30,000 रुपये वाला मोबाइल है, ये आप रख लो। यार मैंने तो इससे 20,000 रुपये मांगे थे, और ये मुझे 30,000 वाला मोबाइल दे रहा है। लेकिन मुझे क्या है, मुझे तो 30,000 वाला मोबाइल मिल रहा है ना। चलो ठीक है, तुम जाओ। इसने मेरे साथ ऐसे किया, देखा मैं तेरा हशर क्या करता हूँ। हेलो सर, जिस मोबाइल की आपको तलाश है वो बिल्लू हमाम वाले के पास है। क्या, बिल्लू बार्बर के पास? जी जी सर, और इस वक्त वो अपनी दुकान पर ही है, आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। वाह भाई वाह, आज तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और 30,000 की दिहाड़ी लग गई। ये मोबाइल इधर मेरे हवाले कर, और तुझे शर्म आनी चाहिए, अच्छा खासा तेरा कारोबार है और तू मोबाइल चोरी करता है। क्या मतलब सर, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर ये क्या है, आगे से ड्रामे कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, ये मोबाइल तो मुझे कोई लड़का दे के गया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये मोबाइल तुमने ही चोरी किया है। सर मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, मेरी इतनी अच्छी दुकान है, मैं चोरी क्यों करूंगा? इस बात का मुझे नहीं पता, मोबाइल तुमसे मिला है और तुम ही चोर हो, चलो मेरे साथ थाने। सर मेरी बात सुने, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। असल में एक लड़का आया था, ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, ये अपनी फिल्में थाने जाकर सुनाना। दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है, लालच की चमक देखकर अक्सर अकल मार खा जाती है। हमें चाहिए कि चंद रुपयों की खातर लालच ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।